सरोवर नगरी नैनीताल, जिसका अस्तित्व आज से ही नहीं वरन पौराणिक कालों से है। आज का एपिसोड थोड़ा करुणाजनक है, क्योंकि आज नैनीताल ने फिर से भूस्खलन को दोहराया है। बात करते हैं शनिवार की, जब करीब शाम के 5:30 बजे लोअर मारलोट का 25 मीटर लंबा हिस्सा टूटकर नैनी झील में जा समाया। चलो बात करते हैं कहानी की शुरुआत की, मगर इससे पहले आप साइंस एंड नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप इसी प्रकार से इंजॉय कर सकें। दोस्तों, नैनीताल की धरातल थोड़ा कमजोर है। इसका कारण यह है कि नैनीताल शहर संपूर्ण झील के ऊपरी किनारे की तरफ बसा हुआ है। इतिहास से लेकर अब तक समय समय पर नैनीताल में जबरदस्त भूकंप और भूस्खलन आए हैं, चाहे वो 1880 का भूस्खलन हो या वर्तमान का तल्लीताल समीप बीरभट्टी के सामने भूस्खलन का हो, जब वहाँ की रोड भी टूटकर समा गई थी। बात करते हैं लोअर मारलोट की। लोअर मारलोट में पिछले 2 वर्षों से लगातार दरारें आ रही थी, जिससे जिला प्रशासन और नगरपालिका पर रोजाना दबाव और एप्लीकेशंस आ रही थी। हालांकि प्रशासन द्वारा दरारों को भरा जा रहा था, मगर दरारें इतनी बढ़ चुकी थी कि लोनिवी द्वारा जितना भी मसाला रोड पर भरा जा रहा था, रोड उतना ही मसाला नीचे की तरफ सूख दे रही थी। ये सिलसिला 3 दिनों तक चल रहा था, मगर किसे पता था कि 18 अगस्त शनिवार शाम 5:30 बजे ये हिस्सा झील में समा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कारण जानते हैं। नैनीताल की ओर जाने के लिए 2 या 3 रोडे हैं, मगर मल्लीताल जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड है, जिसे लोअर मारलोट कहते हैं। नैनीताल में सीजन टाइम पर करीब 25 से 30 हजार गाड़ियां हर दिन चलती है, और अगर हम सीजन टाइम के विपरीत देखें तो नैनीताल में करीब एक दिन में 10 हजार से 15 हजार गाड़ियां चलती है, जो कि वीकेंड्स में और अधिक हो जाती है। वाहनों की इतनी अधिकता से लोअर मारलोट वजन सहन नहीं कर पाती है, जिस वजह से उसमें दरारें आ जाती हैं, और लगातार गाड़ियों के चलने से दरारें विशाल हो जाती हैं और आगे चलकर ये भूस्खलन का रूप ले लेती है। अभी क्षतिग्रस्त जगह पर जिला प्रशासन द्वारा तिरपाल लगाया गया है, और अभी यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि कब तक मरम्मत पूरी होगी। फिलहाल हल्द्वानी के लाल कुआं पर वैली ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे 7 से 10 दिन के अंदर क्षतिग्रस्त जगह पर लगा दिया जाएगा, ताकि यातायात सुचारू ढंग से हो सके। फिलहाल ऊपरी मालोट से ही तल्लीताल से आने वाली वाहनों को मल्लीताल भेजा जाएगा। दोस्तों, एक खास बात, नैनीताल का धरातल बहुत कमजोर है, जिसे अंग्रेज लोग 1880 के दशक में ही समझ गए थे, जिस वजह से शिमला से नैनीताल रेल लाइन नहीं जुड़ सकी। क्या नैनीताल में टूरिस्ट आवाजाही कम कर देनी चाहिए, आपके क्या राय हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि नैनीताल को लेकर थोड़ा चिंतित रहें। तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।